स्कूल हुयो सिराटाबाद में वो उन वक्त असा पढ़ता हुआ असा उम्र घणो थे उन्हीं के बाद ये स्कूल बिटराए हुआ हाँ पंजा सठ साल में पा आयो हाँ पंजा सठ साल जो स्कूल न हो इत तो को तालीम न हो हाँ अल्लाह जो शुक्र आ स्कूल थी वो स्कूल बणजी सौ डेढ़ सौ छोकरो पढ़े तो अजा भी वा यहाँ के बच्चों में बड़ा जुनून है सीखने का जुनून कुछ करने का जुनून और माशाल्लाह यहाँ इसी के बच्चे हैं और उनसे आप कोई भी पॉइंट पूछें तो वो माशाल्लाह कॉन्फिडेंस के साथ आपको बताएंगे हाथी कितना मोटा है बता उसका छोटा है दूधी माटी लस्सी पजी घाटी मड़सियाणी मक्खन जो चाड़ो आयो भी आए लटड़ा पुसायो जो सुजरिक तो लटड़ा सुकायो तो जंगल में एक बंगल था जंगल में एक हाथी था हाथी की थी साल गिरा कैकटा एक बड़ा बड़ा साथ इसको मिला छोटा बड़ा मेहमानों में यह बगट पर कोई ऊपर कोई नीचे बंदर को भी गुस्सा आया बंदर लाया मोटा डन चिड़िया ने फिर गाना गाया हैप्पी बर्थडे टू यू इं बार समझा रुलदा वतन पे को माल चारिंदा को इं त एडा चरिया थन पे त ने रस्ते वारन के भितर आनन पे वे तर में कोई स्कूल न होयो पण हैरान होया से माल चारिंदा गरीब 18 19 सालन जा छोकरा ने ये इं अन पढ़ा इं घुमन था अल्लाह जे लख मेहरबानी स्कूल ठई अस जे लाए वडो गुजर थी पियो हन अगे हैरान होया से चवा जमीन विकणी का दे बे वणो काथे बार पढ़ायो पर उन्हीं शे को सब बची हुआ से पाया टुकड़ा बची है काफ़ी जो एरियाज ऐसे हमने सिलेक्ट किए हैं जहाँ पे कोई 50 साल से स्कूल अवेलेबल नहीं था प्राइमरी स्कूल है एक विलेज का जिसमें हमने कोई 17 रूम्स बनाए हैं और कुछ ऐसे अगर कम से कम वाला भी मैं बताऊं तो उसमें कोई 16 रूम्स अवेलेबल हैं प्राइमरी स्कूल्स में सेम एज़ विथ मिडिल स्कूल और मिडिल स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 8 से 10 रूम पर स्कूल में हैं और अभी कुछ एडमिशन्स मज़ीद हो रही हैं लोग मज़ीद इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि एजुकेशन एक तो फ्री है वहाँ पे और दूसरा ये कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है हम 4 माना 4 अखियन सा ऐसंदो आया पितवाड़े उसी एफ आर डी पी एस सी वालों की मेहरबानी थी आए तो वो अस मना सहूलत दिनों गोठ में अल्लाह मेहरबानी हाँ स्कूल लगी हुआ 450 पढ़न था वो अस शुक्र थी बार मन तालीम अची वो एक तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो ये था कि प्राइमरी के लिए कि 2 किलोमीटर के अंदर कोई स्कूल अवेलेबल ना हो और कम से कम भी 150 से 200 बच्चे मौजूद हों उस एरिया में जिनको जो आउट ऑफ स्कूल हैं उसी लोकेशंस को हमने प्रेफर किया वहाँ पे हमने स्कूल बनाए हैं और दूसरा जो क्राइटेरिया था एसएमएच के लिए जो मिडिल स्कूल प्रोग्राम है एसईएफ एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध का उसमें ये क्राइटेरिया था कि 3 किलोमीटर्स जो हैं उसकी रेडियस में कोई मिडिल स्कूल ना हो और कम से कम 4 से 5 फीडर स्कूल हों जहाँ से वो बच्चे आए उस स्कूल्स में और वो एजुकेशन उनको फ्री में दिया जाए ये जो सारा क्रेडिट जा रहा है ये सिंध एजुकेशन फाउंडेशन और सिंध गवर्नमेंट को जा रहा है जिन्होंने ये फंडिंग की और ये इस चीज़ को पॉसिबल बनाया लोगों को एजुकेशन के लिए सजो इलाके के इर्द गिर्द के सजे के शहूर अची वो
تو بال کی تعلیم حاصل کرن تھا اساں بھی ان میں خوش ہیں ان جا خوش شکر گزار ہیں See you.